हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोनम और मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ। और मैंने अभी भी न्यू पार्लर ओपन किया है और मेरा पार्लर बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो वैसे आपका पार्लर छोटा हो या बड़ा ये मैटर नहीं करता है, आपके पार्लर में काम बेस्ट होना चाहिए। मैटर इसलिए आपका काम बेस्ट होना चाहिए और आप कस्टमर को किस तरह से डील करते हो ये आपको आना चाहिए। और ये पार्लर मैंने अपने घर पर ही ओपन किया है, तो इसलिए मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब छोटा ही है। बट कोई नहीं, आपका काम बेस्ट होगा, आपका काम कस्टमर को अच्छा लगेगा, तो धीरे धीरे करके बड़ा भी हो जाएगा। और किसी भी काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। और मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बनाई है जो भी सोचते हैं कि हम शुरू में ही पार्लर बहुत बड़ा ओपन करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा मतलब उसमें सभी कुछ सामान होगा, शुरू में सब कुछ मतलब रखना रखेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप छोटी सी भी शुरुआत कर सकते हो। आप छोटे शुरुआत करोगे तो आपका काम अच्छा होगा, तो धीरे धीरे करके एक दिन आपका पार्लर बड़ा भी हो जाएगा। तो आप छोटे से भी शुरुआत कर सकते हो। इसमें यही बस ये है कि आप जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो आप रख लीजिए पार्लर में अपने, और को उस काम में इंटरेस्ट होना चाहिए। आप उस काम को बहुत लगन से कर रहे हो। चलो बहुत बातें हुई, मैं आपको अपना छोटा सा स्मॉल सा पार्लर दिखाती हूँ। तो ये डोर है, ये मेरे घर के अंदर जा रहा है इसका रास्ता। तो ये इसमें मैं अपने घर के अंदर जाती हूँ आती हूँ, इधर से मैं ही जाती हूँ आती हूँ, बाकी पूरे दिन बंद रहता है। और ये मेरी सिलाई मशीन है, मतलब थोड़ी बहुत मैं सिलाई भी कर लेती हूँ, आ जाती है थोड़ी बहुत मैं कर लेती हूँ। ये मिरर है और ये चेयर है। अभी मैंने मतलब सेट ही नहीं बनवाई है बैठने की क्लाइंट की, तो मैंने दो चेयर डाल रखी हैं, बाद में थोड़ा बनवाऊंगी, अभी मैंने नहीं बनवा रखी हैं। तो अभी मैं दो चेयर डाल रखी हैं, इस पर क्लाइंट बैठ जाते हैं। बाकी ये बाहर से आने जाने का गेट है, इधर से कस्टमर आते हैं और जाते हैं। बाकी ये मिरर है और ये वॉश बेसिन है, ये बारिश पे है। और ये काउंटर है, ये ऊपर हेयर सीरम रखी है मेरी मतलब मशीन की तेल की बोतल रखी है, पीछे पाउडर है और ये भी हेयर सीरम है, मॉइस्चराइजर है, टोनर है, ये जेल है, ये थ्रेडिंग का थ्रेड है ये। और बाकी ये इसमें कंघे वंगे रखे हैं आपके, कैंची वैची हैं, बाकी सब है ये। और इसमें ये है, इसमें वैक्स के सामान हैं, इसमें मशीन है मेरी, और इसमें टॉवल उवल हैं, हेयर क्लिप हैं, और नाइटी है। मेकअप के कुछ सामान है और इसमें मेरी सिलाई का सामान रखा है। बाकी ये नेल पेंट है और ये हमने थोड़ा भी फर्नीचर बनवाया था, ये काउंटर बनवाया था और ये दोनों अलमारी बनवाई थी। इसमें थोड़ा कॉस्मेटिक का सामान भी है मेरे उसमें पार्लर में, क्योंकि एक्चुअली जो मेरे पास कस्टमर आते हैं तो वो बोलते हैं क्या आप थोड़ा कॉस्मेटिक का सामान भी रख लो, क्योंकि मेरे आसपास कोई भी कॉस्मेटिक की दुकान नहीं है। तो मैं थोड़ा बहुत मैंने फिलहाल मतलब रख रखा है। ये ऊपर ब्लीच है और वो बैग्स है, ये फेशियल हैं, ये चूड़ियाँ हैं, ये भी बाकी वो सारा बच्चों की हैं और बिंदी बिंदी हैं, और वो क्लिप है, रबड़ हैं, बिंदु बिंदु हैं, मतलब टोटली थोड़ा बहुत काफ़ी है फिर भी ये सामान है कॉस्मेटिक का। ये बिंदी है और ये हेयर के कॉम है, देख लीजिए। तो ये है मेरा पार्लर, छोटा सा पार्लर। तो गाइस, ऐसा नहीं है कि आपके पार्लर में सभी कुछ होना चाहिए, मतलब ये है कि मेरे पार्लर में अभी जो भी सामान है वो सब यूज़ होता है और जो भी आते हैं उनके हिसाब से सब कुछ है अभी वैसे। और धीरे धीरे करके सब मैं बाद में कर लूँगी, बट अभी हमने थोड़ा कम से ही शुरुआत की है।
सबसे मेन आपके पास एक चेयर होनी चाहिए, और ये होना चाहिए थर्ड आपके पास, कैंची वैची होनी चाहिए, कंघी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा आपके पार्लर में जो सबसे फर्स्ट पे आता है वो थ्रेडिंग का सामान होता है, वो आपके पास होना चाहिए। बाकी चेयर होनी चाहिए, एक वॉश बेसिन होनी चाहिए। आप लोगों को मेरी वीडियो सही लगेगी तो मैं आगे भी और वीडियो बनाऊंगी मेकअप पे, सामान पे, मतलब पार्लर में क्या क्या शुरू शुरू में आपके पास होना चाहिए, जो ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी सामान है वो आपके पास होना चाहिए। तो आप अगर मेरे से बोलोगे मैं आगे भी और वीडियो बनाऊंगी। गाइज, अगर आपको पार्लर से रिलेटेड और वीडियो देखनी है तो मैं अपने चैनल पे और वीडियो अपलोड करूंगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।